Dear students, we are now on to the very last question of the NCERT exercise 6.6 for the chapter triangles. Question thoda sa bada hai. Main question ko pehle read karunga, uske baad isko solve karunga. See, we are given here, Najima is fly fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, how much string does she have out? ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए. देखें, ये एक वाटर स्ट्रीम है. इस वाटर स्ट्रीम में कई सारे फिश हैं जो आपको दिख भी रहा है फिगर में. नजीमा इन फिश को कैच करने का काम कर रही है. उसने क्या किया, एक फिशिंग रॉड लिया. उस फिशिंग रॉड से उसने एक स्ट्रिंग को टाई करके रखा हुआ है. स्ट्रिंग का एक एंड नजीमा के हाथ में है, जिससे वो स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है. और इसी स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उससे उसने एक फ्लाई को अटैच करके रखा हुआ है. और फिशिंग रॉड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो वाटर सरफेस से 1.8 मीटर की हाइट पर है. और ये जो पॉइंट है फिशिंग रॉड का, ये जो ठीक नीचे जो पॉइंट है फिशिंग रॉड के टॉप मोस्ट पॉइंट के ठीक नीचे जो पॉइंट है, वो पॉइंट और फ्लाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 2.4 मीटर. फ्लाई और नजीमा के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको गिवन है एज 3.6 मीटर. और इस पॉइंट और नजीमा के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है एज 1.2 मीटर. तो ये सारे वैल्यूज आपको गिवन है. और फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछें कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये, और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया देखिए टॉट, स्ट्रिंग जो है वो टॉट, ये आपको अज्यूम करना. टॉट का मतलब होता है कि ये स्ट्रिंग अपने स्ट्रेच्ड पोजीशन पर है. ठीक, तो आपको फाइनली ये लेंथ कैलकुलेट करना है. तो मैंने क्या किया, इसी फिगर को रीड्रॉ किया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी पॉइंट नजीमा जहाँ पे बैठी हुई है. ओ जो है वो फिशिंग रॉड का टॉप मोस्ट पॉइंट है. और ये ए जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे फ्लाई है. और बाकी चीज़ आप समझ रहे होंगे. तो फाइनली हमको ये स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है जिसको मैंने L1 अज्यूम किया है. नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है क्वेश्चन. अब आप देखिए ये जो पार्ट है ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट ट्रायंगल. और इस फिगर में आपका OBA ये आपका राइट ट्रायंगल है. तो यहाँ पे एंगल B आपका 90 डिग्री है. परपेंडिकुलर आपको मालूम है 1.8 मीटर. बेस आपको मालूम है 2.4 मीटर. तो हाइपोटेनस जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो आपको पता चल जाएगा. सो लेट मी फर्स्ट राइट व्हाट वी आर गिवन. वी आर गिवन AQ एज 3.6 मीटर. जो जो वैल्यूज गिवन है मैं लिख देता हूँ जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे. OB एज 1.8 मीटर, ये OB मैंने इसको अज्यूम किया, देख सकते हैं OB 1.8 मीटर. AB, ये AB जो है आपका ये लेंथ, ये आपको गिवन एज 2.4 मीटर. एंड BQ आपको गिवन है 1.2 मीटर. सारी वैल्यूज आपको फिगर में गिवन है. एंड we have to find length of string जिसको मैंने L1 assume किया, ये आपको find out करना है. क्या करेंगे देखिए, in triangle, right triangle बोलना चाहिए मेरे को, OBA we have angle B as 90 degree. therefore we can apply Pythagoras theorem. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं OA square जो आपका hypotenuse है is equals to OB square which is perpendicular plus AB square जो आपका base है. value substitute करते हैं OA square as such जो आपको find out करना है. और OB की value आपके पास 1.8 है, उसका square कर दीजिए. plus AB is 2.4. ये सारी values meters में हैं. और now we have OA square is equal to 1.8 का square होगा आपका 3.24 plus 2.4 का square होगा 5.76. तो फाइनली OA स्क्वायर आपको मिलेगा एज 9. इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9.00 भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है. एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी हैव OA इज इक्वल टू 3. रूट 9 मतलब 3, एक्चुअली प्लस माइनस 3 होगा लेकिन आपको मालूम है जो साइड है वो पॉजिटिव ही होगा ये साइड. तो OA आपके पास कितना आ गया, 3. और यूनिट क्या होगा यहाँ पे, मीटर. तो फाइनली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है आपका L1 वो कितना है आपके पास, 3 मीटर. तो ये क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट.
All right, let us now move on to the second part of the question. We are given, if she pulls the string at the rate of 5 cm per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? क्वेश्चन क्या देखिए, अब नजीमा क्या कर रही है, इस स्ट्रिंग को वो अपनी तरफ पुल कर रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और कितने देर तक, 12 सेकंड्स तक। ठीक, तो अब होगा क्या, आपको मालूम है जब वो स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेगी तो ये जो फ्लाई है वो भी इस डायरेक्शन में नजीमा की तरफ मूव करेगा, और हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर 12 सेकंड फ्लाई की न्यू पोजीशन ये है, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। और आपसे पूछ भी यही रहे कि 12 सेकंड के बाद फ्लाई और नजीमा के बीच ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, न्यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये आपसे पूछे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये जो पार्ट है आपका, ये इसको L2 बोल देते हैं, ये नया लेंथ है जो अब वाटर सरफेस के ऊपर है। फाइनली आपको ये पता करना है कि इस फिगर में देखिए, फिगर मैंने वापस यहाँ पे रीड्रॉ किया, ये आपका नया लेंथ और ये पॉइंट सी जहाँ पे फ्लाई पहुँच जाएगा आफ्टर 12 सेकंड्स। तो हमको यही बताना है कि आफ्टर 12 सेकंड्स नजीमा और फ्लाई के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, और इस फिगर में वो कितना दिख रहा है आपको, सी क्यू। तो फाइनली आपको सी क्यू पता करना है। अब आप देखिए, बी क्यू तो पहले से ही मालूम है आपको 1.2, अगर ये सी बी पता चल जाए हमको कैसे भी, तो सी बी प्लस बी क्यू वही क्या हो जाएगा, हमारा सी क्यू। अब हमारा पूरा फोकस किस पे होगा, बी सी को कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो वी आर गिवन दैट स्ट्रिंग इज pulled at the rate of 5 centimeter per second for 12 seconds. ये आपको given है। तो 12 second तक जब वो pull करेगी इस rate से string को, तो ultimately कितना string उसने pull किया? String pulled वो कितना होगा? String pulled total time 12 seconds into किस rate से? 5 centimeter per second. तो देखिए, ये सेकेंड से सेकेंड यूनिट कैंसिल हो गया, 12 इंटू 5 इज 60 और यूनिट क्या आपका, सेंटीमीटर। तो टोटल स्ट्रिंग उसने कितना पुल किया, 60 सेंटीमीटर, और जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.6 मीटर हो जाएगा। तो उसने कितना स्ट्रिंग पुल कर लिया अपनी तरफ, 0.6 मीटर। अब आप देखिए, ओरिजिनल लेंथ जो था स्ट्रिंग का वो कितना था, 3 मीटर, ये आपने कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में, और उसने पुल कितना कर लिया, 0.6। तो अब कितना पार्ट स्ट्रिंग का बाहर लाई कर रहा है वाटर सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होगा, 3 मीटर जो ओरिजिनल था माइनस जो उसने स्ट्रिंग का लेंथ पुल किया 0.6, तो 3 माइनस 0.6 वो होगा 2.4। तो ये L2 आपका फाइनली कितना है, 2.4। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम न्यू लेंथ। अब जो नया लेंथ है स्ट्रिंग का जिसको हमने L2 बोला, वो कितना होगा आपका, L1 ओरिजिनल लेंथ माइनस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज पुल्ड, ये आपका 0.6। तो ये हो जाएगा आपका L1 कितना था, 3 माइनस 0.6, तो फाइनली न्यू लेंथ क्या आपका, 2.4 मीटर। इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये आपका 2.4 मीटर है। अब काम आसान हो गया आपके लिए, इस राइट ट्रायंगल को देखिए, ओ बी सी, अगेन एंगल बी इज 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेनस है 2.4 जो आपको मालूम है, ये परपेंडिकुलर 1.8 आपको मालूम है, ये बेस बस आप कैलकुलेट कर लीजिए बी सी, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, इन राइट ट्रायंगल ओ बी सी वी हैव एंगल बी एज 90 डिग्री, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। और हमको सिंस बी सी कैलकुलेट करना, तो मैं काम करता हूँ बी सी को एक तरफ रख लेते हैं, बी सी स्क्वेयर को आप लिख सकते हैं एज ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ बी स्क्वेयर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी आपके पास है 2.4 उसका स्क्वायर माइनस ओ बी इज 1.8 उसका स्क्वायर। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2.4 का स्क्वायर होगा आपके पास 5.76 माइनस 1.8 का स्क्वायर 3.24, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा 2.52। तो अब बी सी का स्क्वायर आपके पास है 2.52, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वील गेट बी सी एज अंडर रूट ऑफ 2.52, और 2.52 का स्क्वायर रूट जो है वो आप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपने एट्थ क्लास में पढ़ा है डिवीजन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। फाइनली जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो बी सी आपको मिलेगा एज 1.59 और यूनिट क्या चल रहा है आपका, मीटर। तो ये जो बी सी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका 1.59 मीटर है। तो सी क्यू कितना होगा, ये 1.59 प्लस 1.2, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस
या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बोलना चाहिए इसको, सी क्यू इज इक्वल टू बी सी प्लस बी क्यू, और बी सी कितना आपके पास 1.59 प्लस बी क्यू इज गिवन एज 1.2, तो इन दोनों का सम कितना होगा 2.79 मीटर। तो जो नया लेंथ है फ्लाई और नजीमा के बीच आफ्टर 12 सेकेंड जब उसने स्ट्रिंग को पुल किया वो आपका 2.79 मीटर है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन एज वेल एज एंटायर एक्सरसाइज, और पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया आपका ट्रायंगल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड एंजॉयड देम एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।